नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हो तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। मार्केट में अगर कोई कंपनी अच्छी है ना, तो वो कंपनी अपने बारे में सब कुछ बताएगी। वो कंपनी लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताएगी कि हमारे बारे में जानो, ये देखो हमारा ये बिजनेस है, हम इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं और इस तरह की सर्विसेज देते हैं जिससे फ्यूचर में हमारा बिजनेस जरूर बढ़ेगा। जैसा कि दोस्तों आज के समय में आप देखते होंगे, सोशल मीडिया पर लोग खाना खाने की फ़ोटो, टॉयलेट जाने की फ़ोटो सब कुछ डाल देते हैं। उसी प्रकार कंपनी अपनी वेबसाइट पर छोटी मोटी जानकारी हमारे साथ शेयर करती रहती है। लेकिन जब कोई कंपनी आपके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती तो इसका मतलब है कि कंपनी में थोड़ा सा कुछ इशू है। कंपनी से अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि कोई छोटी कंपनी जो तुरंत शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई हो वो मल्टीबैगर बन जाएगी। मल्टीबैगिंग का मतलब यह नहीं कि छोटी कंपनी के नाम पर कचरा उठा लो, हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कंपनी का अपने बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अपनी साइड पर देना। इसलिए अगर आपको कंपनी पढ़नी है ना, तो सीधे कंपनी की साइड पर जाओ, वहाँ पर ढूंढो कि कंपनी के कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उसको बाय करने से पहले उसके फंडामेंटल्स अच्छे से ज़रूर चेक करें। इसलिए अगर आप निवेशक हैं तो आँख बंद करके निवेश मत कीजिए। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। शेयर मार्केट, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।